हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल फिजिक्स का इंट्रो लिया कि क्या मैथमेटिकल फिजिक्स होती है, और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को जाना कि क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। एक बार और हम समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा तंत्र होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट पोजीशन को एक्सप्लेन कर पा रहे होते हैं, तो इसे ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये एक एज्यूम किया गया सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी हम बनाते हैं, जब भी हम ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि तीनों एक्सिस हमेशा हम परपेंडिकुलर लेकर चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमेशा तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर चलते हैं वो सबसे इजी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम सभी प्रॉब्लम्स को इजी वे में सोल्व कर पा रहे होते हैं। इसीलिए हम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं जिसमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम्स को इजी वे में सोल्व कर पाएं। लेकिन वो कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलता कहाँ से है, वही हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। आप समझे ध्यान से, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। इसमें आपको देखो मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो यहाँ पर आपको सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास 3D इमेज आएगी। 3D इमेज को इस 2D बोर्ड पर एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं होता एक्चुअल तरीके से, लेकिन हम उन्हें थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन करके, या कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर के, जो फिजिकली आपके सामने एग्जाम्पल है उन्हें लेकर के आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होगा? निर्देश तंत्र हमें पता है, बस उसमें वक्र रेखीय टर्म ऐड करना होता है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है जो कि किन्हीं तीन वक्रीय पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। वर्ड यूज किया गया है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो किन्हीं, हम 3D की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हम तीन की बात कर रहे हैं। 3D में कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि तीन कर्व सरफेस के इंटरसेक्शन से प्राप्त होता है, तीन वक्रीय पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। अब कैसे मिलता है हमें, वो सब हम यहां देखने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी तीन वक्रीय पृष्ठ है, ये एक U1 इक्वल टू C1, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज द वक्र पृष्ठ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ का ये समीकरण बताया जा रहा है U1 इक्वल टू C1, दूसरा समीकरण है U2 इक्वल टू C2, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व सरफेस है U3 इक्वल टू C3। इस प्रकार से हमारे पास तीन कर्व सरफेस हैं। कर्व सरफेस का मीनिंग है कि इनकी जो सरफेस है वो कर्वीय फॉर्म में है, वक्रीय फॉर्म में, कर्व फॉर्म में है, ये प्लेन सरफेस नहीं है। जैसे यदि हम इस सरफेस की बात करें तो ये एक सरफेस प्लेन सरफेस है, लेकिन यहां जो सरफेस ली गई है वो कर्व की फॉर्म में, जैसे आप ले सकते हैं अर्थ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अर्थ हमारे पास होती है, उसमें किसी पॉइंट पर एक सरफेस यहां से अर्थ की इस तरह से जा रही होगी, एक सरफेस अर्थ की इस तरह से भी जा रही होगी, तो वो कर्वीय वक्रीय सरफेस है, कर्व फॉर्म में सरफेस है जो हम यहां लेकर चल रहे हैं। तो किस तरह से कोई भी तीन हमारे पास कर्व सरफेस ली गई है, हम उनका आपस में म्यूचुअली इंटरसेक्शन करा रहे हैं, उनका आपस में प्रतिच्छेदन कराया जा रहा है। जैसे किन्हीं दो कर्व सरफेस की हम बात करें, यहां पर U1 इक्वल टू C1 ये एक कर्व सरफेस है, और U3 इक्वल टू C3 ये कोई दूसरी कर्व सरफेस है। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से
इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जहां हमें कोई लाइन प्राप्त होती है और वो लाइन अब सीधी लाइन नहीं है, तो वक्रीय लाइन को भी हम बोल रहे हैं वक्र रेखा या फिर कर्व लाइन कहा जा रहा। आप समझे, जैसे एक प्लेन सरफेस ये है, ये कर्व सरफेस नहीं है, और दूसरी प्लेन सरफेस ये है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इंटरसेक्शन कैसे होगा? बिल्कुल एक सीधी लाइन आपको मिलेगी, स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होगी। ओके, जब हम किसी एक कर्व सरफेस और अनदर कर्व सरफेस का इंटरसेक्शन कराएंगे, दोनों का प्रतिच्छेदन कराएंगे, उस केस में आपको एक सीधी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। लेकिन जब हम किन्हीं दो कर्व सरफेस का, वक्र पृष्ठों का प्रतिच्छेदन कराते हैं, तो वहां से आपको स्ट्रेट लाइन ना मिल करके वक्रीय रूप में ही आपको एक रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम वक्र रेखा बोल रहे हैं या फिर कर्व लाइन कहा जा रहा है। ओके, तो कर्व लाइन क्या है? किन्हीं दो वक्र पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होने वाली रेखा वक्र रेखा है, किन्हीं दो कर्व सरफेस के इंटरसेक्शन से प्राप्त होने वाली लाइन कर्व लाइन है। अब इसका नाम हमें देना है, नेमिंग करना है, कैसे हम नाम दे? हमने जो दो सरफेस ली है जिनका हम इंटरसेक्शन करा रहे हैं, एक में U1 है, दूसरे में U3 है, तो इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगी वो इनसे मैच ना करे, इसलिए हम उसे कोई तीसरा नाम दे रहे हैं, वो कहा जा रहा है U2 कर्व लाइन। तो U1 इक्वल टू C1 तथा U3 इक्वल टू C3, इन वक्रीय पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होने वाली वक्रीय रेखा को हम U2 वक्र रेखा कह रहे हैं। अब आप बिल्कुल बता सकते हैं, सिमिलर वे में यदि हम U2 इक्वल टू C2 इस वक्रीय पृष्ठ और U3 इक्वल टू C3 इस वक्रीय पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों का जब प्रतिच्छेदन कराएं, तो प्रतिच्छेदन से प्राप्त होने वाली रेखा जो कि वक्रीय रेखा होगी, उसे हम U1 वक्र रेखा कहेंगे। ऑब्वियसली ये हम U2 यहां ले रहे हैं, U3 यहां लिया जा रहा, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलने वाली जो कर्व लाइन होगी उसे हम U1 कर्व लाइन नाम दे रहे हैं। सिमिलरली U1 इक्वल टू C1 एंड U2 इक्वल टू C2, इन दो कर्व सरफेस से, वक्र पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, इंटरसेक्शन से मिलने वाली जो लाइन होगी उसे हम नाम दे रहे हैं U3 कर्व लाइन। तो सिंपल सा, हमें तीन लाइन प्राप्त हुई है, उन तीन लाइंस को हम बोल रहे हैं वक्रीय रेखाएं या कर्व लाइंस, और ये कर्व लाइन अभी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वक्रीय रूप में लाइन है। यदि आप इन तीनों के मिलने वाले पॉइंट, इस पॉइंट से तीनों वक्रीय रेखाओं पर तीन टेंजेंशियल ड्रॉ कर दें, स्पर्श रेखाएं खींच दें, तो क्या होगा देखते हैं। एक स्पर्श रेखा हमने इस U2 कर्व लाइन पर ये ड्रॉ की है, इस U1 कर्व लाइन पर भी हम ये एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, एक U3 कर्व लाइन पर भी आप ये स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दें। इस प्रकार से जो टेंजेंशियल ड्रॉ किए गए हैं इन्हें हम कहते हैं अक्ष, ये हमारे पास अक्ष का काम करते हैं, एक्सिस का काम करते हैं, और U2 कर्व लाइन पर ड्रॉ किया गया अक्ष U2 अक्ष कहलाता है, दैट मींस इसे हम U2 एक्सिस कहेंगे। इसी प्रकार U1 कर्व लाइन पर खींचा गया टेंजेंशियल U1 अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली U3 कर्व लाइन पर खींचा गया टेंजेंशियल U3 अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, U3 एक्सिस। हमें निर्देश तंत्र बनाना है, निर्देश तंत्र हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम किन्हीं तीन वक्रीय पृष्ठों का प्रतिच्छेदन कराते हैं, तीन वक्रीय पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से हमें तीन वक्रीय रेखाएं कर्व लाइंस प्राप्त होती हैं।
तीन कर्व लाइंस जहां मिल रही है, जहां इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से तीनों पर तीन स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करते हैं, तीन टेंजेंशियल ड्रॉ किए जाते हैं, तो वो टेंजेंशियल अक्ष का काम करते हैं और इन तीन अक्षों से मिलकर ही हमें 3D का एक निर्देश तंत्र प्राप्त होता है, एक 3D का हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलता है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। यदि हम ये देखें, यहां तो हमने वक्रीय पृष्ठों का प्रतिच्छेदन कराया है, लेकिन यदि हम वक्रीय पृष्ठों का प्रतिच्छेदन ना करा के किन्हीं तीन प्लेन पृष्ठों का प्रतिच्छेदन कराते तो क्या हमें वक्रीय रेखाएं प्राप्त होती? नहीं होती। वक्रीय रेखाएं नहीं मिलती तो किस प्रकार की रेखा प्राप्त होती? हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती। और जब तीन प्लेन सरफेस के इंटरसेक्शन से हमें तीन स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती तो यहां भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता, लेकिन यहां हमें वक्रीय रेखाएं प्राप्त हुई है, इसलिए निर्देश अक्ष बनाने के लिए हमने टेंजेंशियल ड्रॉ किया है, एक स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की है। यहां स्पर्श रेखा ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, यहां अपने आप निर्देश तंत्र बन जाता है। तो ये इसका एक स्पेशल केस होता है। अभी आगे हम समझने वाले हैं कि ये हमें कब मिलता है, लेकिन जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये है, जिसे कहा जाता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ओके, तो ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र हमारे पास है। एक बार और आप ध्यान से सुन लें, इसमें यही लैंग्वेज हमें लिखना होता है। सबसे पहले हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को डिफाइन करते हैं। क्या होता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम? ये होगा कि जब हम तीन कर्व सरफेस का, तीन वक्रीय पृष्ठों का प्रतिच्छेदन कराते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से हमें तीन वक्रीय रेखाएं प्राप्त होती है, और तीन वक्रीय रेखाओं पर यदि हम टेंजेंशियल ड्रॉ कर दें तो वहां हमें तीन अक्ष प्राप्त होंगे, और तीनों अक्षों से मिलकर बनने वाला 3D का एक निर्देश तंत्र प्राप्त होता है, जिसे हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे, जो हमने पृष्ठ लिए हैं, जिनका प्रतिच्छेदन हमने कराया है, उनसे कुछ अलग नाम हमने दिया है इस अक्ष का या फिर इस कर्व लाइन का। जो कर्व लाइन आपके पास है वही अक्ष हम लेकर चल रहे हैं। तो तीन अक्ष हमें मिले हैं, U1, U2 एंड U3। अब देखें, इसमें जैसे अब तक हम कुछ इस प्रकार के निर्देश तंत्र की बात किया करते थे, जिसमें तीन अक्ष X, Y एंड Z लिया करते थे, जिसे हम कहते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। ओके, आगे हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल आप समझें इसे। कुछ इस प्रकार का जब हम निर्देश तंत्र लेते हैं तो इस निर्देश तंत्र में यदि कोई भी पार्टिकल प्लेस्ड होता है, उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लेते हैं? एक्स, वाई, जेड, यही लिए जाते हैं। इस निर्देश तंत्र के अंदर यदि कोई भी कण मौजूद हो तो उस कण के जो निर्देशांक होंगे वो एक्स, वाई, जेड लिए जाते हैं। सिमिलरली, अब आप यहां से देखकर ये बताएं कि जब इस निर्देश तंत्र के अंदर कोई भी कण मौजूद होगा, कोई भी पार्टिकल प्लेस्ड होगा, तो उस पार्टिकल के इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे? सोचिए, जिस तरह यहां अक्ष एक्स वाई जेड है तो हम निर्देशांक एक्स वाई जेड ले रहे हैं, और यहां पर हमारे पास अक्ष क्या है? U1, U2 एंड U3 अक्ष है, तो यहां क्या हमारे पास होंगे? ऑब्वियसली, बिल्कुल सही, U1, U2 एंड U3, ये हमारे पास इस केस के लिए किसी पार्टिकल के निर्देशांक होंगे जिन्हें हम U1, U2, U3 से रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि अक्ष U1, U2, U3 की फॉर्म में है तो हम उसी फॉर्म में स्मॉल U1, U2, U3 के रूप में ही निर्देशांकों को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से एक रिजल्ट ये निकला, यदि कोई भी कण जो कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में प्लेस्ड होता है उसके निर्देशांक U1, U2, U3 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे
निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सब चीजें अगर आप समझ पा रहे हैं, इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इन्हीं से रिलेटेड हैं। यदि आप इनके मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे कि U1, U2, U3 है क्या, तो आगे जहां भी यूज होंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि U1, U2, U3 क्या है। इसलिए इन्हें अच्छे से समझते चले। हमारा टारगेट यही है कि आपके जितने आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझें कि एक्चुअल में U1, U2, U3 यहाँ निर्देशांक है, और किस पार्टिकल या किस बिंदु के निर्देशांक है, ये उस कण के निर्देशांक है जो कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर होता है। ओके, जैसे हम कहते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर कोई कण है तो उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड होंगे। उसी प्रकार यदि कोई पार्टिकल वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में होगा तो उसके निर्देशांक होंगे U1, U2 एंड U3। डन। चलो इसके आगे देखते हैं। जैसे हम कार्तीय निर्देश तंत्र, ये वर्ड आप ध्यान रखिए, कार्तीय निर्देश तंत्र होता क्या है, आगे हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, कार्तीय निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र होगा जिसके अंदर अक्षों को हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, या जिसके अंदर पार्टिकल के निर्देशांक स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे ये हमारे पास एक कार्तीय निर्देश तंत्र है, तो इसमें हम एक्स वाई और जेड से इसके अक्षों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो भी पार्टिकल है उसके निर्देशांकों को स्मॉल एक्स वाई एंड जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम हमेशा यही निर्देशांक लेकर चलते हैं, इसके अलावा कोई ये तो कभी यूज ही नहीं करते हम हमेशा यही निर्देशांक लेकर चलते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये जो निर्देश तंत्र होता है ये इसी का स्पेशल केस होता है। यदि हम U1, U2, U3 को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दें तो फिर वो यही इसी प्रकार का निर्देश तंत्र बन जाएगा। सब कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले, फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि आप इसे ही क्यों यूज करते हैं अब तक, और क्यों यूज नहीं किए। और ऑब्वियसली जब जब आपने ये निर्देश तंत्र यूज किया होगा आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी बन गई होगी, क्योंकि ये सबसे आसान निर्देश तंत्र है, सबसे इजी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। हम हमेशा इसे साथ लेकर चलते हैं क्योंकि ये सबसे आसान निर्देश तंत्र होता है, ये प्रॉब्लम्स को इजी बनाने का काम करता है। तो इसीलिए हम जितने भी निर्देश तंत्र पढ़ेंगे उन सब का इस निर्देश तंत्र के साथ रिलेशन रखेंगे, ताकि अन्य डिफिकल्ट टफ वाले जो भी निर्देश तंत्र होंगे उनके निर्देशांकों को कार्तीय में चेंज कर सके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सके। इसे कहा जाता है कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। तो यहां पर जो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक है U1, U2 एंड U3, इनका भी कार्तीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। दैट मीन्स दीज आर डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रिलेशन आगे प्रूफ करेंगे सब कि ये होता है या नहीं होता है। ध्यान रखेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र के जो निर्देशांक है उन्हें हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और U1, U2, U3 हमारे पास क्या है, ये टर्म्स हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक, और इन निर्देशांकों का कार्तीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों के साथ संबंध होता है। इसीलिए हम लिख रहे हैं U1, U1 फंक्शन हो सकता है, फलन हो सकता है किस किस का, एक्स वाई जेड का, क्योंकि वो उन पर डिपेंड कर रहा होगा। डिपेंड करने का मतलब है कि उनका कोई ना कोई रिलेशन होगा, इसीलिए U1, U2, U3 भी कार्तीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों के साथ संबंध रख रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं वक्र रेखीय रूपांतरण समीकरण, कर्वीलीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इन्हें कहा जाता है कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट, कर्वीलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वक्र रेखीय रूपांतरण समीकरण। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, इसमें ध्यान रखने वाली बातें यही है कि किस तरह से आप वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसमें u1 u2 u3 किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को, निर्देशांकों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसके आगे जो भी हमारे पास टॉपिक्स है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।